मैं तुम्हें सबको या खुद मर जाऊंगा, मारने पर मैं उठता रहूंगा आखिरी सांस तक। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड हॉलीवुड से किसी मामले में पीछे नहीं रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि VFX जैसे टेक्नोलॉजी में हम उनसे थोड़ा लैग कर रहे हैं, क्योंकि हॉलीवुड में इसका यूज काफी पहले से ही शुरू हो चुका था। दोस्तों, इंडिया में इसे लाने और इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अगर सुपर हीरोज की बात करें तो इसमें कांटे की टक्कर है। अब तक आपने विजुअलाइज कर ही लिया होगा कि आगे दो सुपर हीरोज की लड़ाई की कहानी आने वाली है। जरा रुके दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज हम एक सुपर हीरो की कहानी और एक नॉर्मल पर्सन की कहानी को कंपेयर करेंगे। मैं बात कर रही हूँ हॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म द डार्क नाइट और बॉलीवुड एक्शन फिल्म बागी की। लेकिन कुछ लोगों के मन में सवाल आया होगा कि ये कौन सा कंपैरिजन है, इसमें तो नो डाउट बैटमैन ही जीतेगा। लेकिन जस्ट वेट फॉर बॉलीवुड ट्विस्ट दोस्तों। द डार्क नाइट, बैटमैन के दीवानों ने इस फिल्म का नाम तो सुना ही होगा। क्रिस्टोफर नॉलन द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में क्रिस्टीन बेल, माइकल हेथ, गैरी ओल्डमैन, एरन और मैगी और दोस्तों मॉर्गन भी शामिल है। हर सुपर हीरो फिल्म की तरह इस सीरीज में भी कुछ बुरी शक्तियां प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं। फिर आगे की कहानी तो आप समझ ही गए होंगे। बैटमैन उनसे शहर के लोगों को प्रोटेक्ट करता है। इसमें भर भर के VFX डाले गए हैं। बीच बीच में कहानी थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है। बैटमैन के इस कॉन्सेप्ट को एक कॉमिक बुक से लिया गया है दोस्तों, जिसमें बैटमैन एक इमेजिन किया हुआ कैरेक्टर रहता है। कॉमिक बुक की तरह ही फिल्म भी लोगों को बहुत पसंद आई। लेकिन इसमें बागी जैसा क्या है? आपको बता दें कि बागी और द डार्क नाइट दोनों अलग अलग जॉनर की मूवीज हैं। एक सुपर हीरो मूवी है और दूसरी एक्शन थ्रिलर मूवी है। दोस्तों, बॉलीवुड में सुपर हीरोज की एंट्री तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन जब इसी कॉन्सेप्ट पर बार बार फिल्म्स रिपीट होने लगी तो ऑडियंस बोर होने लगी। इसलिए इंडियन डायरेक्टर्स ने इसमें कुछ वेरिएशंस करने का सोचा। इसमें सुपर हीरोज की जगह एक नॉर्मल इंसान की कहानी दिखाई जो एक्शन स्टंट्स के साथ दूसरों की हेल्प करता हो। दोस्तों, द डार्क नाइट और बागी में यही चीज सिमिलर है कि इसके मेन हीरो खुद से ज्यादा दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं। अब बॉलीवुड में इस कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी ऑडियंस ने एक्सेप्ट भी कर लिया। फिर बागी जैसी सीरीज शुरू हुई। थोड़ा रोमांस, थोड़ा ड्रामा और बहुत सारा एक्शन डालकर इस मूवी को तैयार किया गया और इसकी सक्सेस तो देखिए दोस्तों, महज 7 साल में सीरीज की चौथी फिल्म बॉक्स ऑफिस को हिट करने वाली है। इसलिए बॉलीवुड अब किसी चीज में हॉलीवुड से कम नहीं है। हालांकि दोस्तों, हमने हॉलीवुड से कई चीजों की इंस्पिरेशन ली है और आगे भी हम लेते रहेंगे, लेकिन दोस्तों खुद की वेरिएशन करने में तो हम माहिर हैं। आप देखना होगा कि क्या साजिद नाडियावाला इस बार टाइगर को सुपर हीरो की तरह प्रेजेंट करेंगे या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है ओजस्वी।